हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज का ब्लॉग में। वही रेंज में, वही मतलब प्राइस में, वही बाहर का स्ट्रक्चर, वही तीन गैराज, मतलब सेम है। बस अंदर का थोड़ा बहुत जो मॉडल है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। तो चलिए आज ये सेकेंड मॉडल देखते हैं, वही प्राइस में। वो पिछले वीडियो में मैं दिखाई थी वो वाले मॉडल, इसका मॉडल थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये मेन डोर है, अभी मैं इसको ओपन करूँगी। तो यहाँ पे ओपन करते के साथ देख सकते हैं सामने लिविंग एरिया दिख रहा होगा, इधर साइड में किचन है। मगर सबसे पहले इधर जैसे ही इंटर करते हैं ना हम लोग, वैसे ही यहाँ साइड में एक बाथरूम है, जो कि कोई भी आया, गेस्ट वगैरह आए घर में, तो बाहर ऐसा यहाँ पे ये रहे फैसिलिटी। यहाँ पे एक क्लोज़ेट है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में एक ये बाथरूम है। पिछले वाले बिल्डिंग ये घर में क्या था ना, कि वहाँ बेडरूम एक था साइड में, दिखाई थी, उसके बेडरूम के लिए बाथरूम था। यहाँ ये एक्स्ट्रा इधर बाथरूम है और बेडरूम जो है वो अंदर रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पे ये साइड में किचन है जो दिख रहा है। वहाँ किचन का ये जो क्लोज़ेट ड्रॉवर था वो ब्राउन था, और यहाँ जो है वाइट है। और इसका क्या है ना, यहाँ देख सकते हैं जो स्टेयर से ऊपर है, इसका लिविंग एरिया ऊपर है, स्टेयर से ऊपर बनाया हुआ। सीधा जो डोर दिख रहा है वो मेन डोर है, वहाँ से मैं इधर इंटर करी। और यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इधर से दिखाने के लिए, यहाँ पे साइड में थोड़ा बहुत डेकोरेशन, टेबल वगैरह है, और इधर साइड में ये किचन है, और इसके ऊपर लिविंग एरिया है। पहले किचन दिखाती हूँ, उसके बाद ऊपर चलते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं लिविंग एरिया में ऊपर। यहाँ पे स्टेयर से ऊपर है लिविंग एरिया बनाया हुआ, तो अभी चलिए ऊपर दिखाती हूँ। और ठीक लिविंग एरिया से सटा हुआ बाहर जो है बालकनी बनाया हुआ है, जो आपको ये विंडो दिख रहा है कर्टन वगैरह, उसके पीछे जो दिख रहा है वो बालकनी है। यहाँ पे अभी लिविंग एरिया है, वहाँ पे ये देखिए, ये बालकनी से पूरा उधर साइड में जो घर बना हुआ है उसका व्यू है। और पीछे छोटा छोटा दो पाउंड है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में।
यहाँ पे ये लिविंग एरिया से ऊपर में ही ऐसा राइट में मुड़ेंगे तो ऐसा लॉबी जैसा मिलेगा आपको। इधर साइड में एक बाथरूम है यहाँ पे, और लॉबी में जैसे ही इंटर करते हैं यहाँ पे बाथरूम है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये बच्चा लोग का बेडरूम है। यहाँ पे देख सकते हैं साइड में वॉल पे डेकोरेशन वगैरह भी किया हुआ है, पेंटिंग वगैरह। और ये जो बाथरूम था वो बच्चे का रूम से अटैच है, मतलब बाथरूम इसके अंदर ही नहीं है, रूम में नहीं है, बट इसके बगल में है। तो इसका जो भी बच्चा का रूम रहेगा उसका बाथरूम रहेगा इधर साइड में। यहाँ पे क्लोजेट वगैरह है, यहाँ एक छोटा सा मिरर है, और इधर साइड में ये स्टडी टेबल है, बेड से सट के स्टडी टेबल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे अब बच्चे लोग का दूसरा रूम है, यहाँ पे ये देख सकते हैं वो जो रूम था जिनका लड़का लड़की दोनों है तो उनके हिसाब से ये बनाया हुआ है रूम, वो लड़की के लिए था डेकोरेशन वगैरह से समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे ये ट्रक वगैरह देख रहे हैं तो ये लड़का से रिलेटेड है, थीम वगैरह जिसके बच्चे को ज़्यादा पसंद है वैसा बनवा सकते हैं, जो भी कार फायर ट्रक यहाँ ये डंप ट्रक, तो जो भी थीम आप बनाना चाहे वॉल पे बनवा सकते हैं उन्हें कह के। और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जो है ऐसा बेड लगा हुआ है और नीचे जो है ऐसा टेबल जैसा स्टडी टेबल बनाया हुआ है। यहाँ अलग से स्टडी टेबल ऐसा अगर बेड लगा लीजिएगा तो अलग से स्टडी टेबल आपको लगाना नहीं पड़ेगा। यहाँ विंडो के बाहर जो यहाँ पे दिख रहा है ये बाहर का व्यू है, इधर अगल बगल में घर है। वो जो साइड में दिख रहा है वो वाले मॉडल ये नहीं है, ये दूसरा मॉडल है, वो वाले मॉडल में भी जाएंगे कभी तो दिखाती हूँ आपको, बट इसका पीछे से दूसरा मॉडल है। यहाँ पे ये क्लोजेट वगैरह है बच्चे के रूम में। आप चलते हैं मास्टर बेडरूम की ओर। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये मास्टर बेडरूम है, ये वो दोनों बेडरूम से आपको बड़ा दिख रहा होगा, बड़ा है भी। वो दोनों बच्चे का जो रूम है थोड़ा छोटा छोटा है मास्टर बेडरूम से। यहाँ पे ये देख सकते हैं बेडरूम के बाहर का ये जो नज़ारा है खिड़की से, बिल्कुल ये रोड पे है तो बाहर का व्यू जो है रोड दिख रहा है। यहाँ पे पेंटिंग डेकोरेशन और ड्रेसर, और उधर साइड में जो है बड़ा सा एक क्लोजेट है। यहाँ पे ये मास्टर बेडरूम से अटैच बाथरूम है, यहाँ पे बच्चे वाले रूम में उसके साइड में था मगर मास्टर बेडरूम में अटैच बाथरूम है। Thank you.
तो यहाँ पे अभी 3 बेडरूम और आपको 3 बाथरूम दिखा, और यहाँ पे लिविंग एरिया और नीचे किचन और डाइनिंग एरिया। और अब चलते हैं हम लोग बेसमेंट में, तो वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो अभी हम लोग स्टेयर्स से नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे अभी देखेंगे अंदर। तो यहाँ पे एक नीचे भी, मतलब डाउन स्टेयर्स में भी एक बेडरूम है। यहाँ पे जैसा डेकोरेशन बनाया हुआ है उसे ऐसा लग रहा है कि यह बच्चे लोग के लिए है, बट कोई भी यूज कर सकता है, मतलब जैसा चाहे गेस्ट रूम भी बना सकता है। तो यहाँ पे एक नीचे देख सकते हैं, नीचे भी सब कुछ है, क्लोजेट वगैरह। अभी खिड़की से बाहर का व्यू यहाँ पे दिख रहा होगा। और अभी ये बेडरूम से इधर अटैच ही एक बाथरूम है नीचे भी, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये बेसमेंट में नीचे भी ऐसा जैसा ऊपर लिविंग एरिया में बनाया हुआ था वैसे ही नीचे भी है। यहाँ पे देख सकते हैं साइड में डेकोरेशन का है, और इधर साइड में वॉकआउट है, इधर पीछे से बाहर जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। जिनके पास पेट वगैरह तो उनको बाहर ले जाते हैं घुमाने, इधर से नीचे से ले जा सकते हैं, नहीं तो ऊपर से भी ले जा सकते हैं। और नीचे जो है इधर बच्चे लोग के लिए इधर प्ले एरिया जैसा बनाया हुआ है, चेयर रखा हुआ है, बच्चे यहाँ पे बैठ के आराम से खेल सकते हैं, नहीं तो स्टडी भी कर सकते हैं, जो मन में आए वो कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे पेंटिंग वगैरह देख के आप समझ रहे होंगे कि बच्चे लोग के लिए ये एरिया बनाया हुआ है। और इधर क्लोजेट है, तो इस मॉडल में यहाँ पे कुल मिला के 4 बेडरूम, 4 बाथरूम, 1 लिविंग एरिया और किचन, और नीचे बेसमेंट है और वॉकआउट के साथ है। तो ये रहा आज का मॉडल हाउस का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको और कैसा घर देखना है, तो मैं वैसा घर जाके आपको दिखाऊंगी। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।